आवाम से मेरी निवेदन है हाथ जोड़ के कि आपके क्षेत्र में जो दो घटनाएं हुई हैं शकील भाई की और मिन्नास भाई की, उनके लिए आप लोग भी खड़े होइए। मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इस मामले को राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएं। मैं आप लोगों के साथ को और आप लोगों ने जिस तरह से परिवार को साथ दिया है, उसके लिए मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आजीवन रेडी रहूंगा आपका, एक ऐसे कमजोर परिवार के साथ आप लोग खड़े रहे जिसके साथ प्रशासन और सरकार ने भी ली, तो हम सबको इनके आगे पहुंचाने की कोशिश करनी है कि जितना भी हो सकता है मिन्नास के और शकील के जो साथी हैं उनको कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है वो पुलिस भी मेरे में जांच करना देना है, तो कानून को हमको मानते हुए संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोगों को अपनी बात रखनी है। अगर अगले कुछ दिनों में ये मामला सॉल्व नहीं होता है तो हम तमाम लोग एसपी कार्यालय जाएंगे, उनको पत्र देंगे और वहीं पे बैठ जाएंगे। या तो आप शकील और मरूम भाई के उनके जो कातिल हैं उनको आप जेल में डालिए, अदरवाइज हमको उठा के आप जेल डालिए, लेकिन जेल में आपको डालना पड़ेगा किसी न किसी को। और ये मेरी तरफ से सरकार को अल्टीमेटम है, एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि इतने सारे लोगों की भावनाओं से मत खेलिए, अगर किसी ने गलत किया तो उसको कार्रवाई करिए। और इसी तरह से आवाज उठाते रहिए, आप लोगों के जज्बे को और हिम्मत को विनय दुबे सलाम करता है। आप लोगों ने जिस तरह से पूरे मामले को बनाए रखा, नहीं तो लोग भूल जाते हैं, प्रशासन भी कचरे के डब्बे में डाल देता है, और आप लोगों की हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं।